हेलो दोस्तों, मेरा नाम रोहित है। आज एपिसोड नंबर 15 में मैं आपके सामने एक कहानी लेकर आया हूँ, जिसको लिखा है मिस्टर आशुतोष रॉय ने। इस कहानी का टाइटल है बर्थडे वाली खीर। चलिए शुरू करते हैं और सुनते हैं ये कहानी। सुबह 4:55। अंकित जी, जो कि अराउंड 50 ईयर्स के हैं, सुबह उठकर बेड पे रखे अलार्म क्लॉक के पास बैठते हैं और चश्मे साफ करके पहनते हैं। जैसे ही 5 बजे की अलार्म बजती है, उसे ऑफ कर देते हैं और बड़े आराम से उठते हैं, दबे दबे पाँव के साथ। किचन जाते हैं, वहाँ से दूध की बर्तन लेते हैं और दरवाजे पे जाकर वेट करने लगते हैं, घड़ी देखते देखते। कुछ देर बाद दूध वाला आता है और अंकित जी दबे आवाज में कहते हैं, क्या पिंटू, आज कहा था ना थोड़ा पहले आने को, एक दिन भी एडजस्ट नहीं कर सकते क्या तुम? दूध वाला कहता है, क्या चाचा जी, गाय जब दूध देगी तभी ना लाएंगे। अंकित जी कहते हैं, हाँ ठीक है ठीक है, पर आज वाले में पानी तो नहीं मिलाया ना? दूध वाला कहता है, क्या चाचा जी, टेंशन मत लीजिए, खीर बनाना है ना, देखिए क्या सॉलिड बनेगा। अंकित जी कहते हैं, बननी भी चाहिए। असल में जिस इंसान के लिए दूध का आना है बस सुबह और शाम की चाय से बढ़कर और कुछ नहीं था, आज वो बस इसी वजह से एक मीठे व्यंजन को बनाने में लगेंगे, क्योंकि उनकी अर्धांगिनी जी यानी श्वेता जी का जन्मदिन है। अंकित जी किचन आते हैं, धीमी आंच पे दूध उबालने के लिए रख देते हैं और किचन की तरफ देखते हैं, फिर पास वाली दुकान में जाकर कुछ ड्राई फ्रूट्स वगैरह लेकर आते हैं। वापस आकर वो एक हल्की सी मुस्कुराहट के साथ खीर बनाना शुरू कर देते हैं। मोबाइल में एक पुराने गीत को लगाते हैं जिसमें उनके पत्नी के सबसे पसंदीदा एक्टर राजेश खन्ना जी थे। गुनगुनाते हुए ऐसे ही गुनगुनाते हुए अंकित जी उन पुरानी यादों की एक सैर लगा के आते हैं। जब उनकी नई नई शादी हुई थी और श्वेता जी नाराज हो गई थी कि कैसे कोई अपनी पत्नी का जन्मदिन भूल सकता है, तब अंकित जी ने खुद से खीर बना के खिलाया था और श्वेता जी ने इसी बात पे माफ किया था कि अब से हर जन्मदिन पे वो बिना भूले खीर बनाया करेंगे। ऐसे ही कई पुराने किस्से याद कर रहे थे कि तभी दरवाजे की घंटी बजी। अंकित जी जैसे ही दरवाजा खोलते हैं, पापा कहते हुए उनकी बेटी दृष्टि उनके पांव छूती है और अंदर आ जाती है। अंकित जी कहते हैं, अजी सुनते हो, उठ जाओ, देखो तुम्हारी लाडली आई है। दृष्टि कहती है, और पापा, मेरे आने से पहले ही बना लिया? हाँ। अंकित जी कहते हैं, हाँ तो फिर बाकी दिन का तो पता नहीं, पर तुम्हारी माताश्री का जन्मदिन पे पंक्चुअल नहीं रहा ना तो डंडे पड़ेंगे। दोनों हंसते हैं। अंकित जी अपनी बेटी को फ्रेश हो जाने को कहते हैं और किचन से खीर लेके आते हैं, तीन जगह पड़ोसने लगते हैं। इतने में उनकी बेटी भी आ जाती है। दृष्टि और अंकित जी श्वेता जी के हिस्से की खीर लेते हैं और जाके उनकी तस्वीर के सामने रख देते हैं। और कहते हैं, तुम्हें गए देखो 5 साल हो गए, मगर आज भी देखो पहली बार की तरह खीर बन के हाजिर है तुम्हारे सामने। आशा है कि तुम्हें पसंद आएगी। ये कहते हुए जरा सी आंसू छलक जाती है उनकी आंखों से और दृष्टि उनके कंधे पर हाथ रखकर कहती है, चिंता ना करो पापा, जैसी भी बनी है माँ को हमेशा पसंद ही आती है। जिंदगी हमेशा कुछ अजीब सी खेल खेल जाती है, जिससे साथ निभाने का वादा किया होता है उन्हें ही छीन ले जाती है, मगर कहते तो ये भी है ना, अपने कभी छोड़कर नहीं जाते, यादों में रहकर रोजाना अपने होने का
एहसास दिला ही जाते हैं।